हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में देखते हैं 1885 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं का कालक्रम। तो हम करते हैं 1885 की बात करते हैं, तो इसमें हुई थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ मुंबई में। 18 दिसंबर को आयोजित हुई हुआ था, जिसमें प्रथम सत्र में 72 प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। ठीक है, दूसरी घटना हुई थी लॉर्ड रेडॉल्फ चर्चिल भारत के सचिव बने थे। फिर अगली घटना हमारी 1905 की ईस्वी की, तो 1905 भी ईस्वी में बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। फिर 1906 में हुआ है, ब्रिटिश भारत ने आधिकारिक तौर पर भारतीय मानक समय को अपनाया था। और दूसरी घटना थी इसमें दक्षिण अफ्रीका में अहिंसा आंदोलन को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी ने शब्द सत्याग्रह को प्रतीक रूप में इस्तेमाल किया था। और एक और महत्वपूर्ण घटना थी, बंगाल के विभाजन ने सांप्रदायिक विभाजन को भी जन्म दिया था। 30 दिसंबर 1906 को नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग की का गठन हुआ है। फिर आते हैं अगला 1907 ईस्वी में, तो इसमें कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में सूरत में संपन्न हुआ था। यह ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधिवेशन अति महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें गरम दल और नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। और 1907 ईस्वी की दूसरी घटना थी, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को पंजाब की कैनाल कॉलोनी में दंगों के बाद मांडले भेज दिया गया था गिरफ्तार करके। दूसरी बात करते हैं 1908 की ईस्वी की, तो 8 जून 1908 को खुशीराम बोस को कैनेडी तथा उनकी बेटी की हत्या के जुर्म में अदालत में पेश किया गया था और 13 जून को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। दूसरी घटना थी, देशद्रोह के आरोप में तिलक को 6 साल की कारावास की सजा सुनाई गई थी। अब 1909 ईस्वी की बात करते हैं, तो इसमें मोरले मिंटो सदार या भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसके द्वारा ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की हिस्सेदारी अल्प मात्रा में बढ़ाई गई थी। इसे इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वायरस राय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई थी। सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो उद्देश्य थे। पहली थी, अक्टूबर 1906 में आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल लॉर्ड मिंटो से मिला था और मांग की थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुस्लिमों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, अब 1911 की ईस्वी की कुछ एक घटना है, कुछ इसमें भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। और 1912 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल ने बम फेंका था। 1913 की ईस्वी की घटना है प्रमुख, ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए भारत में विद्रोह का आयोजन करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया था। 1914 ईस्वी की बात करें, तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी 28 जुलाई 1914 से। यह युद्ध 4 वर्ष तक चला था, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया था। यह महायुद्ध यूरोप, एशिया, अफ्रीका तीनों महाद्वीपों और समुद्र, धरती और आकाश में लड़ा गया था। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसका क्षेत्र तथा इसमें हुई क्षति के अभूतपूर्व आंकड़े के कारण ही इसे विश्व युद्ध कहते हैं। इस युद्ध के खत्म होते होते 4 बड़े साम्राज्य, रूसी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उस्मानिया ढह गए थे और यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुई
और अमेरिका एक महाशक्ति बनकर उभरा था। इसको 1915 की बात करें तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की वापसी हुई भारत में। 1916 ईस्वी की बात करें तो गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण किया था। होम रूल आंदोलन एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम के साथ की गई थी। एनी बेसेंट द्वारा एक और होम रूल लीग शुरुआत की गई थी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। अब 1917 की बात करें तो 1917 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917-18 में एक सत्याग्रह हुआ था। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। दूसरा मोटे भारत के राज सचिव ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य जिम्मेदारी सरकार की शुरुआत है। 1918 ईस्वी की बात करें तो इसमें पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन का आयोजित किया गया था। और दूसरा था रॉलेट राजद्रोह समिति अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रॉलेट बिल 16 फरवरी 1919 को पेश किया गया था। और 1919 की बात करें तो इसमें एंटी रॉलेट रॉलट सत्याग्रह एम के गांधी ने रॉलेट रॉलट बिल के खिलाफ अभियान शुरू किया और सत्याग्रह सभा की स्थापना 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में की। इस आंदोलन के दौरान एम के गांधी ने प्रसिद्ध उद्धरण दिया, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम केवल पीड़ितों के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करेंगे। अंग्रेजों ने हम पर सुधार किए जाने वाले सुधारों के द्वारा हम क्रूरता हम आत्माबल का उपयोग करेंगे। दूसरी घटना हुई जलियावाद त्रासदी और अमृतसर नरसंहार 1919 में ही हुआ था। मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम 1919 की घोषणा भी तभी हुई थी। अब 1920 की ईस्वी की कुछ घटनाओं की बात कर लेते हैं। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की पहली बैठक संपन्न भी हुआ था। और दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था इसमें। अब 1921 की बात करें तो इसी वर्ष फ्रेंस की स्थायी सलाहकार परिषद का उद्घाटन राज्य परिषद और विधानसभा की परिषद का उद्घाटन हुआ था। दूसरा है वेल्स के राजकुमार राजा एडवर्ड 8 बम्बई भारत में आगमन हुआ था और इनके आगमन पर व्यापक आंदोलन हुआ था जिसकी वजह से खाली सड़कों पर उनका स्वागत किया गया था। तीसरी घटना थी हिंदू समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष वाइकम सत्याग्रह पर चर्चा के लिए टी के माधवन तिरुनेलवेली में महात्मा गांधी ने से मिले थे। 1922 ईस्वी की बात कर लें इसमें चोरा चोरी की घटना भी हुई थी। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहाँ 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक चौकी में आग लगा दी थी जिसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मारे गए थे। इस घटना को चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणामस्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं है और उसे वापस ले लिया गया था। चोरी चोरा की इस घटना में से महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन को आघात पहुंचा था जिसके कारण उन्हें असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था जो बारदोली गुजरात से शुरू किया गया था। दूसरा घटना है 1922 की मोपला विद्रोह मालाबार तट केरल पर हुआ। तीसरी घटना थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब 1923 ईस्वी की बात कर लें तो इसमें मोतीलाल नेहरू ने स्वराजवादी पार्टी का की स्थापना की थी। 1925 ईस्वी की बात करें देश बंधु चित्तरंजन दास की मौत भी हो गई थी और क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी साजिश का मामला भी 1925 में आया। 1927 ईस्वी की बात करें तो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। 1928 की बात करें तो भारत के नए संविधान के लिए नेहरू रिपोर्ट आई। 1929
29 ईस्वी की करें तो सभी दलों मुस्लिम सम्मेलन जिन्ना के नेतृत्व में 14 अंक तैयार किया गया। और दूसरी घटना थी लोक सुरक्षा विधेयक के खिलाफ विरोध करने के लिए केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बंटू केशव दत्त के बम फेंका था। तीसरी बात थी जतिन दास की 64 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हुई हो गई थी। चौथी घटना थी लॉर्ड इरविन की घोषणा के बाद भारत में ब्रिटिश नीति का लक्ष्य वर्चस्व स्थिति का अनुदान था। पांचवी घटना थी जवाहरलाल नेहरू के तहत कांग्रेस का लाहौर सत्र में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को अपनाना था। 1930 की बात करें तो इसमें हुआ जवाहरलाल नेहरू भारत के तिरंगा को लाहौर में रवि नदी के किनारे पर फहराया था और यहीं से पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तीसरी घटना है कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति साबरमती में मिलती है और सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी मार्च के साथ पारित कर देती है। महात्मा गांधी दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। पांचवी घटना है भारत में भावी संवैधानिक व्यवस्था के लिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था। 1931 की बात करें तो इसकी पहली घटना है गांधी इरविन समझौते और सविनय अवज्ञा आंदोलन की निलंबित। और दूसरी घटना भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी 1931 में। और तीसरी घटना थी द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन पहुंचे थे। पहले गोलमेज और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, 1932 की बात करें तो ईस्वी की, तो इसमें पहली घटना हुई थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री राम से मैकडोनाल्ड ने अलग अलग मतदाताओं की जगह हरिजनों को अलग मतदाताओं को अलग अलग वोट देने के लिए सामुदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। दूसरी बात थी गांधी ने उपवास करके अंग्रेजों से विरोध जताया था। तीसरी एक पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके द्वारा हरिजन अलग मतदाताओं के स्थान पर आरक्षित सीटें प्राप्त करें। तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन से शुरू हुआ था। 1935 की घटना की बात करें तो इसमें भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। 1937 की बात करें तो इसमें 1935 के अधिनियम के तहत भारत में आयोजित चुनाव हुए थे। और दूसरी घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 7 प्रांतों में मंत्रियों का गठन किया था। 38 की बात करें 1938 ईस्वी की तो इसमें पहली घटना होती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1919 से 19 फरवरी 1938 के दौरान हरिपुरा कांग्रेस की सत्य में अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सम्मेलन के लिए हरिपुरा का चयन किया था और इंक्यान बोलोकाचार्य को इस अवसर के लिए सजाया गया था। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस ने हरिपुरा सत्र के लिए महात्मा गांधी के अनुरोध पर 7 पोस्टर तैयार किए थे। 1929 की बात करें तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सत्र हुआ था और दूसरी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा भी दिया था। और इसी 1929 ईस्वी की बात करें तो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। वायसराय ने घोषणा की कि भारत भी युद्ध में शामिल होगा और इसी के चक्कर में ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति के खिलाफ प्रांतों में कांग्रेस मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। पांच बार मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रालयों के त्यागपत्र के उपलक्ष्य में उद्धार दिवस मनाया गया था। 1940 की बात करें तो 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का लाहौर सत्र पाकिस्तान के संकल्प को प्रस्तुत किया गया था। वायसराय लिन लेथगो ने अगस्त ऑफर की घोषणा की थी। और तीसरी घटना थी कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। अब 1941 की बात करें इसमें हुई है रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु भी हुई है और सुभाष चंद्र बोस भारत के से जर्मनी को भागने के लिए गए थे। 1942 की बात करें तो इसमें चर्चिल ने किप्स मिशन की घोषणा की। दूसरी घटना किप्स मिशन के प्रस्तावों को कांग्रेस ने खारिज कर दिया था। और तीसरी घटना थी भारत छोड़ो का संकल्प AICC के बॉम्बे सत्र द्वारा पारित किया गया था जिसमें पूरे भारत में एक इतिहास सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। चौथी घटना थी जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी एक पारसी वकील और विद्रोही फिरोज गांधी से उनका पिता की
इच्छा के विरुद्ध व्यवहार कर लिया था। और पांचवी थी भारतीय नेता करमचंद गांधी को मोहनदास गांधी को ब्रिटिश सेना द्वारा मुंबई में गिरफ्तार किया गया था। छठवां नवविवाहित जोड़े इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भागीदारी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। सातवां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशक्त सेना का संगठन किया गया था। 1943 की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व पर कहा और सिंगापुर में निःशुल्क भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी और दूसरा मुस्लिम लीग के कराची सत्य विभाजन और छोड़ो के नारे को ग्रहण किया था। तीसरी कोलकाता के बंदरगाह पर जापानी हमला भी हुआ था इसी समय। और चौथी बात है कुलाल कोनवार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गोलघाट के अध्यक्ष भारत छोड़ो आंदोलन के पहले शहीद थे। 1942 की बात करें तो इसमें पहली घटना वावेल ने भारतीय राजनीतिक नेताओं की कार्यकारी परिषद बनाने के लिए शिमला सम्मेलन का आह्वान किया था। 1946 की बात करें तो इसमें ब्रिटिश और भारतीय वायुसेना इकाइयों की रॉयल एयरफोर्स ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था और दूसरा ब्रिटिश प्रधानमंत्री अटली ने कैबिनेट मिशन की घोषणा की थी और तीसरे वावेल ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए नेहरू को आमंत्रित किया था और अंग्लीय संविधान सभा का पहला सत्र इसी वर्ष हुआ था 1946 में। और पांचवी घटना नेहरू कांग्रेस पार्टी के नेता चुने गए थे 1946 में। भारत के लिए संविधान सभा की पहली बार मिली थी इसी 1946। 1947 की बात करें तो इसमें 1947 की घटना है ब्रिटिश प्रधानमंत्री अटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी। दूसरी लॉर्ड माउंटबेटन पिछले ब्रिटिश वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल की शपथ ली थी। तीसरी भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी। चौथी भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने पारित किया। पांचवी है कश्मीर में भारत और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर बलों के बीच युद्ध हुआ था। छठवी जूनागढ़ भारत के डोमिनियन में शामिल किया गया था। सातवीं एयर इंडिया ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरा था। आठवीं भारतीयों को आज़ादी मिली थी 1947 में। और नौवीं जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और लाल किले पर भारतीय तिरंगा फहराया गया जो प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत को दर्शाता है। चलिए 1947 तक हमने महत्वपूर्ण घटनाएं देख ली।